बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एक्सपेक्टेड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 24 पे है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवर भी ले लेते हैं। एडिटिव इनवर्स हम देखते हैं, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। कंसीडर डैट पी ओवर क्यू एंड माइनस पी ओवर क्यू आर एनी टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर हमें पता है, जिनको हम मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू, लाइक 1/2, 2/3, ये हमारे पास कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। इसका देखें, ये हमारे पास दोनों सेम है, लेकिन एक साथ कोई साइन नहीं है, इसका कोई साइन नहीं होता, वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। प्लस का साइन हम साथ लिखते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि जिसके साथ कोई साइन ना, वो हमारे पास प्लस वाले नंबर्स होते हैं। लेकिन माइनस हम साथ मस्ट मैंशन करते हैं। इसका मतलब ये कि ये दोनों सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है। देन वी कैन एड दैम बाय द फॉलोइंग मैथड। जब हम इनको ऐड करेंगे, चाहे आप पहले प्लस वाले को लिखें या आप चाहे पहले माइनस वाले को लिख लें, लेकिन हमने करना इन दोनों को ऐड। तो आप देखें कि हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास होता है 2 - 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। मीन के दोनों नंबर सेम है, एक साथ प्लस है, एक साथ माइनस है। इसी तरह ये भी हमारे पास दोनों सेम नंबर है, एक साथ प्लस है, एक साथ माइनस है, तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या हुआ कि दोनों सेम नंबर होते हैं और जब हम उनको ऐड करें तो हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं कि हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाता है। वो हमारे पास एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। मीन प्लस वाले का एडिटिव इनवर्स सेम नंबर होता है, लेकिन उसके साथ साइन माइनस का आ जाएगा, और माइनस वाले के साथ जो एडिटिव इनवर्स होता है वो भी होता सेम ही है, लेकिन उसका प्लस आ जाता है। इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें मजीद इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि हम इनको मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हमारे पास है सिंपल, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते, मीन कि नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं 2/5 था, मल्टीप्लाई 11/12 है, तो हमने 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। मीन सिंपल है कि आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को नीचे, इसमें कि नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अब हमने एडिटिव इनवर्स देखा, इस तरह हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी होता है। कंसीडर टू रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू, क्यू ओवर पी, वेयर पी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन फाइंड देयर प्रोडक्ट बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अब देखें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, आप देखें कि हमारे पास दोनों सेम नंबर है, पी ओवर क्यू और क्यू ओवर पी, लेकिन क्या था, उनको हमने उल्ट कर दिए। पहले p ओवर q था, तो हमने उसको क्या कर दिया, q बाई पी। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, p ओवर q था, उसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे ना q बाई पी से, तो q q से कैंसिल आउट हो जाएगा और p p से, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आप p को p से कैंसिल कर दें q को, तो आपके पास इसका आंसर वन आ जाएगा। जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने उनको प्लस किया था, तो उनका आंसर हमारे पास क्या आया था, उसको एडिटिव इनवर्स था तो हमने ऐड किया था, उसका आंसर 0 आया था। ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि वो दो नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि उनको ऐड करने से आंसर 0 आता है। एडिटिव इनवर्स में ऐड करने से आंसर क्या आता है, 0। इस तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं कि जो दो नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एडिटिव इनवर्स में क्या था कि दोनों नंबर सेम होते हैं, लेकिन एक के साथ प्लस होता है, एक के साथ माइनस होता है। इस तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में नंबर सेम होते हैं, इसमें साइन का नहीं मसला होता प्लस माइनस का, बल्कि जस्ट हमें ये देखना होता है कि वो अगर हमारे पास एक जो नंबर दिया है तो दूसरा उसका उल्ट हो जाता है, जस्ट हम उसको उल्ट कर देते, पी बाई क्यू है तो क्यू बाई पी हो जाएगा, इसमें साइन का हमें नहीं ख्याल रखना पड़ता। 2.2 है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं।